सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर वन। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ए बी। पहला है 793 के यानी केल्विन, दूसरा है 870 केल्विन। तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर वन ए। तो 793 को हम क्या करेंगे, 273 से माइनस करते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 273 घटाएंगे तो 520 आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर, ठीक है ना। ए का कितना आंसर आ जाएगा, 520। इसी प्रकार बी है 870 के यानी केल्विन, तो 870 में से भी 273 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 597 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब कि केल्विन में अगर क्वेश्चन है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 घटा देते हैं, यही दिमाग में रखना, ठीक है ना। और आंसर में डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट का ए और बी हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में अथवा क्वेश्चन है, अथवा एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, कौन सा पदार्थ का गुण यह प्रेक्षण दर्शाता है। यह भी फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट का अथवा, ये फर्स्ट के अथवा का आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट पिक खींच लिया बुक से, तो आंसर में आपको लिखना है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यही आंसर है, ठीक है। एक नंबर का है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अथवा का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ये भी चैप्टर वन से ही है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें, ए जल, बी चीनी, सी ऑक्सीजन। तो आंसर देखो इसका, आंसर नंबर टू है, यहाँ पर लिखा है पहले आपको ऑक्सीजन लिखना है, उसके बाद जल आएगा, उसके बाद चीनी, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ये भी डायरेक्ट बुक से मैंने फ़ोटो क्लिक की है, ठीक है। तो आंसर आपको ऐसे लिख लेना है, ऑक्सीजन, जल, चीनी, ठीक है। ये आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर टू। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री, मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। ये चैप्टर टू से है, चैप्टर नंबर टू से है। आंसर देखो, आंसर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु तथा अधातु के मिश्रण होते हैं, उदाहरण इस्पात, पीतल, कांसा इत्यादि। तो कोई एक उदाहरण पूछे, कोई एक लिख देना, ठीक है। ये आंसर थर्ड है, क्लियर है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है। आंसर देखो, इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन बाद में अपलोड हो जाएगा, अभी आप हिंदी मीडियम में देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर फोर है, विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर फोर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जीवों को अंग के भी नाम से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। आंसर देखो, ये आपका आंसर नंबर फाइव है, माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो तथा अंतर्द्रव्य जालिका या फिर प्लास्टिड भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लास्टिड भी लिख सकते हो आप, ध्यान रखना, उसको भी आप लिख सकते हो, क्लियर है। तो ये आंसर नंबर फाइव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है? ठीक है, आंसर देखो इसका। आंसर सिक्स, आंसर नंबर सिक्स है ये, ठीक है, ध्यान रखना, थ्री मत समझना, सिक्स है। तो आंसर देखो, क्योंकि लाइसोसोम में अधिक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, ये थ्री मत समझना, ये सिक्स है, ठीक है ना, ये बुक से मैंने डायरेक्ट पिक क्लिक की है तो सेम वही नंबर यहाँ पर प्रिंट है, ध्यान रखना, आंसर सिक्स हो जाएगा ये। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स का अथवा वाला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? अथवा वाला आंसर, इसका आंसर देखो, सिक्स का अथवा आंसर देखो, ये आंसर नंबर सिक्स का अथवा वाला है, ठीक है ना, आंसर लिखा है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, तो सिक्स का अथवा का आंसर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, रंध्रों के क्या कार्य हैं? ठीक है, आंसर सेवन देखो, आंसर नंबर सेवन है, रंध्र वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण मोटी होती है। ठीक है, ये इसका कार्य है, क्लियर है, तो आप इतना ही लिख सकते हो, रंध्र वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान में सहायक हैं, एक नंबर का एक पॉइंट काफ़ी है, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर नंबर सेवन हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर एट, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है? ठीक है, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है? आंसर एट देखो, ये आंसर नंबर एट है, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन करती रहती हैं, ये इसका मेन कार्य है, आप इतना ही लिख देना, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, आगे भी बताएगा, इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी कि हृदय पेशी कहा जाता है, तो इसका काम है, ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देना, एक नंबर का है ये आंसर, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नाइन है, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे? तो गति और वेग में बहुत अंतर है, कोई भी एक पॉइंट आप लिख दो, एक नंबर का है काफ़ी है, तो देख लो आंसर, आंसर नंबर नाइन में लिखोगे, गति एक अदिश राशि है जब वेग एक सदिश राशि है, जब नहीं, यहाँ पर जबकि लिख लेना, ठीक है ना, जबकि वेग एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, जब गलती से लिखा गया, यहाँ पर जबकि लिख लेना, जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, एक नंबर का चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना, तो गति एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, आपका ये आंसर हो गया। आगे देखो, नाइन का अथवा वाला आंसर देखो, क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? एक नंबर का है, या ये करना था या ये, तो दूरी और विस्थापन में अंतर देख लो, तो ये अथवा का आंसर है, दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, तो नाइन का ये दोनों आंसर हो गया, बस यहाँ पर ध्यान रखना, जब पर आपको लिखना है जबकि, ठीक है, और दूरी और विस्थापन में भी अलग अलग काफ़ी अंतर हैं, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, बट एक नंबर का है, इजी जो पॉइंट है वही आप लिख कर, ठीक है, आंसर सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर नाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। दो स्टेटमेंट दी गई है, ए है यह शून्य नहीं हो सकता। तो देखो जो विस्थापन होता है वो शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो मतलब पहली लाइन गलत है। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, ये भी गलत है। ठीक है, तय की गई दूरी से हमेशा बराबर या कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कि इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट गलत दिए गए हैं, दोनों मतलब गलत हैं, सत्य कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए जड़त्व का नियम क्या है, तब भी वही बात है। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तब भी वही बात है। तो आंसर देखो इसका, तो ये आपका आंसर नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक नंबर का है तो ये सब नहीं लिखना है, बस आपको लिखना जड़त्व का नियम हेडिंग न्यूटन की गति को, गति का प्रथम नियम। ठीक है ना, ये प्रथम नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपने विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, एक नंबर का हो गया राइट आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 11। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो, चाहो तो आप व्याख्या भी लिख सकते हो, लेकिन एक नंबर में इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, कम से कम चार बार नंबर में क्वेश्चन होता है, चार पाँच में तो पूरा लिखते हैं। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताए कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। आंसर देखो इसका, आंसर ये तो क्वेश्चन है आपका, आंसर देखो लिखा है घोड़ा गाड़ी की गति। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पैरों से सड़क पर पीछे की ओर बल लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सड़क भी घोड़े पर समान परिमाण का बल आगे की ओर लगाती है। इस प्रतिक्रिया बल के कारण घोड़ा तथा उसके पीछे जुड़ी गाड़ी आगे की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार घोड़ा व गाड़ी घोड़े द्वारा लगाए गए बल के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के प्रतिक्रिया बल के कारण गतिमान होते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर है। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए संवेग किसे कहते हैं, संवेग क्या, तब भी यही बात है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, वस्तु का संवेग और ऐसा ही मात्रक। आंसर देखो एक नंबर का है, ये आंसर 12 है, संवेग। तो लिखना किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं, एक नंबर का ये है। ठीक है ना, आधे नंबर का ये हो गया, और एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक में लिखना आपको संवेग का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये है, चाहे ये लिख लो चाहे इसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक लाइन ही लिख लेना, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना, ठीक है, दो चीज़ें पूछे गए, संवेग क्या है ये लिख लो, और संवेग का एसआई मात्रक ये लाइन लिख लेना। ठीक है, आगे देखो अथवा वाला क्वेश्चन, एक पृथक प्रणाली में जहाँ कोई बाहरी बल नहीं है कुल संवेग क्या होता है। अथवा वाला आंसर देखो, आंसर नंबर 12 का अथवा यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, चूंकि एक पृथक प्रणाली में कोई बाहरी बल नहीं होता इसलिए कुल संवेग स्थिर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, क्लियर है, इतना ही लिखना है, एक नंबर का पूरा नहीं लिखना है, इतना लिखना है। ठीक है, आंसर नंबर 12 हो गया, 12 का अथवा वाला हो गया। ठीक है, आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 13, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? आंसर देखो, एक नंबर का, ये आंसर नंबर 13 में लिखना है। जैविक कृषि यानी कि खेती, कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तथा जिसमें भूमि की उर्वरक शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं लिखना है, ये आपका आंसर है। आंसर 13, ओके। आगे देखो, अगला क्वेश्चन 14, 15, 16 के लिए ध्यान से समझो। लिखा है, दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और अन्य को कारण आर। इन प्रश्नों के उत्तर ए बी सी डी के रूप में देने हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। क्या दिया गया? पहला कह रहा है ए कब लगाएंगे, ए आर मतलब दोनों सत्य हो, दोनों लाइन जो लिखी हैं दोनों सही हों, आर ए की व्याख्या करें यानी कि सही स्पष्टीकरण भी करें, तो हमें ए ऑप्शन लगाना है। बी में ए आर यानी दोनों लाइनें सही हों लेकिन आर दूसरी वाली लाइन ए यानी पहली लाइन की बराबर व्याख्या या स्पष्टीकरण ना करें, तो बी लगाना है। सी में अगर ए सही है, पहली लाइन सही है, आर गलत है, दूसरी लाइन गलत है, तो क्या लगाना है आपको? सी। डी, डी में अगर ए गलत है आर सही है, तो क्या लगाना है? डी। फिर से समझो, दोनों लाइन सही हो, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करे तो ए लगाओगे, दोनों लाइन सही हो, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो बी लगाओगे, और अगर पहली लाइन सही है दूसरी लाइन गलत है तो सी, और अगर पहली लाइन गलत है तो दूसरी को देखना ही मत, डी लगा देना सीधा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है, तो पहले बुक में इस लाइन को समझो, अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पर कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया? मुर्गी पालन जो है अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अब वहाँ पर क्या लिखा है? पालतू लिखा है ना वहाँ पर, तो इसलिए पहली लाइन तो गलत है, तो गलत है, तो साफ साफ डी आ गया, तो इसमें डी ऑप्शन हो गया राइट, ओके। अब देखो, दूसरी लाइन को चेक करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहला गलत है, डी ऑप्शन लगा दो, ठीक है। वैसे एक बार देख लो चेक करके भी क्या लिखा अभी में। मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन तथा मांस के लिए ब्रॉयलर, ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है ना ब्रॉयलर का मतलब ब्रॉयलर्स किसके लिए किया जाता है? मांस के लिए पाला जाता है, ठीक है, ये लिखा गया है, तो मतलब वो लाइन क्या आपकी सही है, ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप। तो मतलब अगर पहला राइट है दूसरा देखो ही मत, सॉरी अगर पहला रॉन्ग है तो दूसरा देखना ही नहीं है, डी ऑप्शन लगा देना है। कौन सा हो गया आपका इसमें? डी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, ए पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, बिल्कुल सही है। बी कह रहा तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की जो स्थिति है उसको बदल सकते हैं, ठोस द्रव गैस में, ठीक है, तो परिवर्तनीय तभी तो ऐसा हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर दोनों बातें राइट हैं और जो बी है इसकी व्याख्या कर रहा है यानी कि स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ए, इसमें ए लगा देना, ठीक है, ए राइट है आपका, ए से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, बिल्कुल सही है।
हमारे आसपास का पदार्थ तीन अवस्थाओं में मौजूद है, ठोस, तरल गैस यानी ठोस, द्रव गैस। ठीक है, तो ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे ना तो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपका डी है, बाकी दोनों में ए है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक में 5 उपभाग हैं, किन्हीं 4 उपभागों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में 1952 में 2010 तक भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है। उत्पादन में यह वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई है। हम इसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, रोपण के लिए बीज का चुनाव। दूसरा, फसल पौधों का पोषण। तीसरा है बढ़ती और कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। इस प्रकार फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के मुख्य समूहों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, फसल किस्म में सुधार। दूसरा, फसल उत्पादन में सुधार। तीसरा, फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, अब समझना है। पहला क्वेश्चन, खरीफ मौसम की अवधि क्या है, मतलब जो खरीफ फसल उगाते हैं कब से कब तक। तो इस पैसेज में तो इसका कोई मेंशन नहीं है, तो अच्छे से आपको चैप्टर पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो पहले चैप्टर में समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है खरीफ फसल के बारे में। क्या लिखा है, ये फसल बरसात के मौसम में उगती है, जून से अक्टूबर तक। खरीफ वाली जून से अक्टूबर तक। उदाहरण, काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। तो टाइमिंग पूछा ना, जून से अक्टूबर तक हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट है बी, जून से अक्टूबर। ओके, अगला देखो, रबी मौसम की अवधि क्या है। रबी, अब रबी की फसल को देखो पहले, रबी फसल के बारे में। ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें सर्दी की फसल कहते हैं। ठीक है, तो नवंबर से अप्रैल तक रबी की फसल, इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर नवंबर से अप्रैल। तो इसमें आपको ए ऑप्शन लगाना है, नवंबर से अप्रैल। ठीक है, ध्यान रखना, बुक को अच्छे से पढ़ो तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगला, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन लगा दो, प्रकाश संश्लेषण। ये आपको पता होगा, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण ये ऑप्शन राइट है। ओके, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो उदाहरण याद होगा तभी आप कर पाओगे, अलसी, धान, अरहर, मक्का। तो समझो कैसे हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा था खरीफ की फसल में, तो देखो अगर हम अलसी की बात करें तो अलसी किस में है, ये रबी में है, खरीफ में ये नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अलसी रबी की फसल है और ये रखा है खरीफ में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अलसी, क्योंकि ये रबी की फसल है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, खरीफ में। तो ये आपका राइट हो जाएगा ए, अलसी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। अब रबी की पूछ रहा है, अब ध्यान से देखना, इसमें सोयाबीन है,
लेकिन कैसे है देखो पहले समझो एक बार। अब देखो रबी की फसल में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन सोयाबीन दिया हुआ है ना, सोयाबीन देखो किस में आ रहा है, खरीफ की फसल में सोयाबीन आ रहा है, तो रबी वाले में कौन सी नहीं है, सोयाबीन, सोयाबीन उसमें दिया हुआ है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, सोयाबीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अगली किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलयन की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के कारण एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत, ये फॉर्मूला लिखा है, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये फॉर्मूला है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इस जो यहाँ पर मेंशन किया गया, इसी बात के आधार पर हमें नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विलयन का घटक नहीं है, विलेय, विलायक, परिक्षिप्त प्रावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों तो हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, सी, ये आपका राइट है, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। अगला देखो, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट है आपका। क्वेश्चन सेकंड, चीनी का घोल है ठोस और तरल का विलयन, तरल और तरल का विलयन, विषम विलयन, गैस और द्रव का विलयन। तो चीनी तो ठोस होती है, घोल तरल होता है लिक्विड फॉर्म में, तो कौन सा ऑप्शन राइट करोगे, ए ऑप्शन राइट होगा, चीनी ठोस है, घोल तरल है, तो ठोस और तरल का विलयन, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, शुगर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगला थर्ड क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। दूसरा, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलायक की मात्रा। तीसरा, तापमान के साथ परिवर्तित ना हो। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है आपका, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन 4, उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है। तो क्वेश्चन देखो पहले तो समझ में आएगा ये। सांद्रता पूछ रहा है, 350 मिलीग्राम पानी था, 50 ग्राम चीनी था, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम चीनी मिला रहा है, तो ऊपर ही आ जाएगा, बटे विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन में 350 मिलीग्राम और 50 ग्राम आपस में मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 कितना हो गया, 400, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर, ये टोटल 400 हो गया, पता ना कैसे आया,
और गुणे के निशान 100 फॉर्मूले में है तो गुणे के निशान 100 लगा देंगे, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, बचा कितना 50/4। जब इसको भाग करोगे तो आपका आएगा 12.5%, ये सांद्रता निकल आएगी। तो मतलब समझना, फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय 50 ग्राम है, 50 लिखा, फिर बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन 50 ग्राम में 350 एक साथ मिल रहा है, 400 हो जाएगा, और गुणे 100, 100 दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 50/4, डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सांद्रता निकालोगे तो सी ऑप्शन। बारह दशमलव पाँच, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। आगे देखो, एक विलयन का बड़ा घटक है विलेय, विलायक, परिक्षिप्त प्रावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विलयन का सबसे बड़ा घटक विलायक होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग के संरक्षण का नियम के रूप में जाना जाता, संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। यह कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षण का नियम कड़े निकाय पर लागू होता है। अब इसी कंडीशन पर हमको आंसर देने, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखो 19वें का पहला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, कणों की एक प्रणाली केवल दो कणों के लिए, केवल एक कण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, कणों की एक प्रणाली पर, ठीक है। आगे देखो, संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि, ऑप्शन पहला, कणों पर कार्य करने वाला बाहरी असंतुलित बल होना चाहिए, कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए, कणों पर कार्य करने वाले कोई आंतरिक बल नहीं होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी पैराग्राफ में पढ़ा थे ना, क्या पढ़ा था, कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग है परिवर्तित, संरक्षित रहता है, शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, संरक्षित रहता है। अगला, संवेग की इकाई SI इकाई है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
क्वेश्चन 5, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है। वस्तु की गतिज ऊर्जा का, वस्तु की संभावित ऊर्जा का, वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का, या फिर वस्तु की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, वस्तु की गतिज ऊर्जा का, वस्तु की गतिज ऊर्जा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अब इसको देखो ध्यान से। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव यानी कि तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स निलंबित हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन शामिल हैं। प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अब इस बेस्ट पर क्वेश्चन है, नीचे देखो। पहला क्वेश्चन 20वें का, कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है WBC। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट है RBC। ठीक है, RBC। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है मैट्रिक्स, कोशिकाएं शिथिल दूर पर होती हैं, शरीर में पदार्थ का परिवहन, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, मैट्रिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, RBC। ठीक है, RBC।